बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंफॉर्मेटिव सोर्स। जी आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि एमएस एक्सेल में एज कैसे कैलकुलेट की जाती है। C2 में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और C3 में करंट डेट। तो डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल कोई भी मैं ले लेता हूँ, जैसे फ़र्ज़ किया मैं ले लेता हूँ जी 1/1/1990। जी मैं चाहता हूं कि करंट डेट मुझे लिखना ना पड़े बल्कि एक्सेल खुद बहुत कैलकुलेट कर दे। उसके लिए फार्मूला है इज इक्वल टू टुडे छोटी ब्रैकेट शुरू छोटी ब्रैकेट क्लोज। करंट डेट आ गई 23/3/2020। जी अब हम चाह रहे हैं कि हम ईयर वाइज मंथ वाइज और डे वाइज एज कैलकुलेट करें, तो इसके लिए हम डेटेड इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू का साइन अगेन, उसके बाद डेटेड इफ छोटी ब्रैकेट शुरू। ये देखें डेटेड इफ का फंक्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है ना। आप इस फार्मूला को अप्लाई करें तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमने तीन आर्गूमेंट्स देने हैं। फर्स्ट आर्गूमेंट हमारा है डेट ऑफ बर्थ, सेकंड जो C2 है, सेकंड आर्गूमेंट हमारा है करंट डेट जो कि C3 है, और थर्ड आर्गूमेंट हमारा होगा कि हम इस सेल्स में कौन सी वैल्यू लाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे ईयर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इज इक्वल टू डेटेड इफ छोटी ब्रैकेट शुरू अगेन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ C2 कोमा अगेन करंट डेट C3 कोमा नेक्स्ट डबल कोट। यहाँ पे हम ईयर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम वाई लिखेंगे अगेन डबल कोट्स छोटी ब्रैकेट क्लोज अब इंटर। देखें ये कैलकुलेट हो गए हैं। अब नेक्स्ट अगेन इज इक्वल टू का साइन डेटेड इफ छोटी ब्रैकेट शुरू, फर्स्ट आर्गूमेंट हमारा है C2 कोमा सेकेंड आर्गूमेंट हमारा है C3 करंट डेट कोमा डबल कोट्स, और यहाँ पे हम मंथ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो M डबल कोट्स अगेन डबल कोट्स छोटी ब्रैकेट क्लोज इंटर का साइन। जी तो यहाँ पे ओवरऑल मंथ कैलकुलेट कर दिए हैं, चाह रहे हैं यहाँ के 30 ईयर के बाद नेक्स्ट जो मंथ बनते हैं सिर्फ वहीं आए, तो इसके लिए अगेन इस फार्मूला को एडिट करेंगे और यहाँ आप Y के साथ और यहाँ आप M के साथ Y लिख देंगे, तो इससे ईयर अलगा और मंथ अलगा कैलकुलेट होंगे अगेन इंटर। जी आप सिर्फ इसमें मंथ कैलकुलेट हुए हैं अगेन इज इक्वल टू का साइन डेटेड इफ छोटी ब्रैकेट शुरू, फर्स्ट आर्गूमेंट C2 कोमा सेकंड आर्गूमेंट करंट डेट C3 कोमा डबल कोट्स। यहाँ पे हम डे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, डे डबल कोट्स और अगेन छोटी ब्रैकेट क्लोज इंटर का साइन। तो यहाँ पे इसने टोटल डेज हमें कैलकुलेट कर दिए हैं, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे डेज चाहिए कि मंथ और ईयर अलहदा हों, तो उसके लिए अगेन हम इस फार्मूला को एडिट करेंगे और यहाँ पे डी के साथ हम मंथ लगा देंगे, जिससे मंथ इसमें से अलहदा हो जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ डेज आएंगे। जी अगेन इंटर का साइन, देखिए 21 डेज बन रहा है कि अगर डेट ऑफ बर्थ 1/1/1990 हो तो आज तक एज कितनी बनेगी, तो एज बनती है 30 ईयर 2 मंथ और 21 डेज। इसके बाद हम चाह रहे हैं कि यही एज जो है हमें वर्ड्स में भी शो हो, तो उसके लिए अगेन सारा फार्मूला हमें टाइप करना होगा, इज इक्वल टू का साइन डेटेड इफ छोटी ब्रैकेट शुरू, फर्स्ट आर्गूमेंट C2 कोमा C3 कोमा डबल कोट्स ईयर अगेन डबल कोट्स छोटी ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद आप लिखेंगे एंड एंड के बाद डबल कोट्स, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ जो हमारे 30 ईयर लिखे हुए हैं उसके साथ क्या लिखा जाए, तो हम चाह रहे हैं उसके साथ ईयर्स लिखा है, तो ईयर्स डबल कोट्स अगेन अगेन एंड डेटेड इफ छोटी ब्रैकेट शुरू C2 फर्स्ट आर्गूमेंट सेकंड आर्गूमेंट C3 कोमा डबल कोट स्टार्ट मंथ्स डबल कोट्स क्लोज। अगेन फार्मूला लिखें डेटेड इफ छोटी ब्रैकेट शुरू फर्स्ट आर्गूमेंट C2 सेकंड आर्गूमेंट C3 कोमा अंडरस्कोर और थर्ड आर्गूमेंट MD डबल कोर्स छोटी ब्रैकेट क्लोज एंड डबल कोर्स डेज डबल कोर्स क्लोज और इंटर का साइन। ये देखें यहाँ पे आपकी एज
तो देखें यहाँ पे आपकी एज वर्ड्स में कैलकुलेट हो गई है 13 years 2 months 21 days। जी नेक्स्ट आपने करना क्या है कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के सेल में आपने अपनी डेट लिखनी है, तो आपकी करंट डेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। और एज कैलकुलेशन की ये फाइल मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप इसे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। क्या मैं एक्सेल में दूसरा कौन सा मेथड है जिसके ज़रिए हम इसमें एज कैलकुलेट कर सकते हैं? सेकंड मेथड है कि डेट ऑफ बर्थ लिख दी आपने, करंट डेट लिखी, उसके बाद एज हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इज़ इक्वल टू छोटी ब्रैकेट शुरू फर्स्ट आर्गुमेंट करंट डेट माइनस डेट ऑफ बर्थ छोटी ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 365.25। हमने 25 क्यों लिखा कि ये लीप के साल के लिए, कि हर 4 साल बाद एक लीप का साल है, तो उसमें फरवरी 29 डे का होता है। आप इंटर का साइन, तो ये देखें आपकी एज कैलकुलेट हो चुकी है। जी 30 डेसिमल से यहाँ इसे कम कर दें। अब देखें आपकी एज मंथ और ईयर में कैलकुलेट हो चुकी है। ये उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर भी कीजिए। और अगर हम आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव सोर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त मिलती रहें। जज़ाकअल्लाह।